नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जुलाई 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स हमको डिस्कस करने हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे, यूपी सरकार ने 2016 में फैसला लिया था कि 17 ओबीसी कास्ट को एससी कैटेगरी में डाल दिया जाए, इस इशू को हम डिस्कस करेंगे। बीच में यह बड़ा आर्टिकल पॉलिटिक्स से संबंधित है, नीचे ये आर्टिकल क्रिकेट वर्ल्ड कप से संबंधित है, दोनों को नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडो पैसिफिक नरेटिव से संबंधित डिटेल से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है देश की इकोनॉमी से संबंधित, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मंडे को आता है, हिंदू के जो एडिटर है वो जवाब देते हैं कि हमने कौन सी न्यूज़ को प्रायोरिटी दी, द हिंदू के कौन से पेज पर और किस रीज़न की वजह से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडो पैसिफिक रीजन से संबंधित है, आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप इस मैप को ध्यान से देखिए, ये जो रीजन है ये देखो इंडो पैसिफिक रीजन है। वैसे तो इंडो पैसिफिक टर्म का इस्तेमाल ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में काफी पहले से होता आया है, लेकिन कंटेम्प्रेरी ईरा में 2007 में इस टर्म का इस्तेमाल किया गया गुरप्रीत खुराना के द्वारा। गुरप्रीत खुराना ने एक आर्टिकल लिखा था IDSA जो कि एक थिंक टैंक है, इस थिंक टैंक पर 2007 में, तो उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था इंडो पैसिफिक। उसके बाद तो देखो इस टर्म का इस्तेमाल किया गया इंडिया के ऑफिशियल्स के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल्स के द्वारा, जापान के ऑफिशियल्स के द्वारा और अब USA के ऑफिशियल्स के द्वारा भी। और आज के आर्टिकल में कंटेक्स्ट है, इवन आसियान ने भी अपनी एक स्ट्रेटजी रिलीज की है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, यानी उन्होंने अपना एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। आज के समय में देखो ये जो इंडो पैसिफिक टर्म है ना, इसका स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है क्या इस टर्म का। देखो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ये है कि ये दोनों जो ओशियंस हैं, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन दोनों ओशियंस की जो सिक्योरिटी है आपस में लिंक्ड है, इन दोनों ओशियंस के जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में कन्वर्ज होते हैं। कैसे? देखो इशारा यहां पर साफ तौर पर चाइना की तरफ है। जिस प्रकार से चाइना अपनी दादागिरी करता है साउथ चाइना सी में, उसी प्रकार से फ्यूचर में, वैसे अभी भी चाइना की जो एक्टिविटीज हैं इंडियन ओशन में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फ्यूचर में इंडियन ओशन में भी चाइना खुले तौर पर अपनी दादागिरी दिखा सकता है। इसलिए इंडियन ओशन के आसपास के कंट्रीज को और पैसिफिक ओशन के आसपास कंट्रीज को एक साथ आ जाना चाहिए चाइना को कंटेन करने के लिए। देखो डिप्लोमेसी में इस प्रकार की जो बातें हैं वो साफ साफ बोली नहीं जाती हैं, सिर्फ समझी जाती हैं विभिन्न देशों के एक्शंस की सहायता से। अब देखो चाइना का क्या रुख है इस टर्म पर, चाइना इस टर्म को बिल्कुल पसंद नहीं करता। चाइना का मानना है इंडो पैसिफिक जैसी कोई टर्म है ही नहीं, क्योंकि चाइना को पता है कि इस टर्म का इस्तेमाल करके विभिन्न देश एकजुट हो रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, चाइना को कंटेन करने के लिए। तो इस वजह से चाइना बिल्कुल पसंद नहीं करता इंडो पैसिफिक टर्म को। जबकि देखो दूसरी तरफ क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप में आपको पता है चार देश शामिल हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA। कहा यह जाता है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के द्वारा, ये चार देश एक साथ आए हैं चाइना की असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए। इन चार देशों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी रिलीज कर दी है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, मतलब इन चार देशों ने अपना विजन सामने रख दिया है वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट की सहायता से कि हमारा विजन है क्या इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। जैसे देखो जापान ने डॉक्यूमेंट रिलीज किया था फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कंसेप्ट, 2016 में जापान के द्वारा ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपना विजन सामने रखा 2017 में, उन्होंने एक वाइट पेपर रिलीज किया था फॉरेन पॉलिसी वाइट पेपर। इस वाइट पेपर में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बताया गया था कि इंडो पैसिफिक रीजन के लिए हमारा जो विजन है वो देखो सिक्योरिटी पर केंद्रित है, ओपननेस पर केंद्रित है, प्रोस्पर्टी पर केंद्रित है। इसी प्रकार से USA ने भी अपनी स्ट्रेटजी सामने रखी थी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। जून में USA के द्वारा ये स्ट्रेटजी सामने रखी गई थी। USA की ये स्ट्रेटजी फोकस करती है कि फ्री एंड इंडो पैसिफिक को प्रिजर्व किया जाए, मतलब इशारा साफ तौर पर चाइना की तरफ कि चाइना की असर्टिवनेस को काउंटर किया जाए।
लास्ट में इंडिया, देखो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल एक स्पीच दी थी संग्रीला डायलॉग के दौरान। इस स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विजन सामने रखा था इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, और इसी साल शुरुआत में हमने एक अलग से इंडो पैसिफिक विंग भी इस्टाब्लिश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए चार जो मेजर कंट्रीज हैं इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया, ये अपना अपना विजन सामने रख चुके हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन का जो डिस्कोर्स है, जो नरेटिव है, वो भी देखो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इन दिनों ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो इंडो पैसिफिक रीजन में मैप में आपने ध्यान दिया होगा आसियान जो है वो बीचों बीच आता है। आप इस मैप को देखिए, ये इंडो पैसिफिक रीजन है और आसियान बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो आसियान को भी ये डर सता रहा था कि पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक रीजन का जो नरेटिव है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, लेकिन हम मार्जिनलाइज्ड हैं, हमने हमारा व्यू भी नहीं प्रकट किया है कि क्या विजन होना चाहिए हमारा इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। लेकिन आसियान को डर लगता था, आसियान को ये लगता था अगर हमने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपना विजन सामने रखा तो शायद चाइना इससे नाराज हो जाएगा, क्योंकि चाइना तो इंडो पैसिफिक टर्म को पसंद करता ही नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अब क्या हुआ है, हाल ही में आसियान का जो 34th समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ पर, बैंकॉक में जून में, इस समिट में आसियान के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक कलेक्टिव विजन रखा इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। नाम है डॉक्यूमेंट का द आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। अब आपके मन में ये आया होगा कि पहले तो आसियान को डर लगता था कि कहीं चाइना नाराज ना हो जाए इस प्रकार का डॉक्यूमेंट रिलीज करने से, अब ऐसा क्या हो गया कि आसियान ने ये डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया, क्या अब चाइना को ऐसा नहीं लगेगा कि आसियान भी इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके हमें कंटेन करना चाहता है, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है। देखो एक्चुअल में हुआ क्या, आसियान ये चाहता था, फिलहाल इस पूरे रीजन में राइवलरी देखने को मिल रही है चाइना और यूएसए के बीच, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, इस इंडो पैसिफिक रीजन में दूसरी जो पावर्स हैं वो तो देखो ऑर्डर को शेप करें, एक नया आर्किटेक्चर क्रिएट करें, जबकि आसियान जो है वो मार्जिनलाइज हो जाए। आसियान ये चाहता है इस पूरे रीजन में जो भी इमर्जिंग ऑर्डर है उस इमर्जिंग ऑर्डर में आसियान की सेंट्रलिटी होनी चाहिए, आसियान फोकस पर होना चाहिए, इनकी बात को सुना जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आसियान ने अपना खुद का विजन रिलीज कर दिया अब इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है जिस समिट में देखो ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया उससे पहले आसियान के मेंबर कंट्रीज में आपस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे डॉक्यूमेंट के कंटेंट को लेके, इस वजह से ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है आसियान के सभी मेंबर कंट्रीज के ऊपर। डॉक्यूमेंट कहता है कि देखो इस रीजन में इंक्लूसिव और रूल बेस्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकता है ताकि विभिन्न कंट्रीज के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट डेवलप किया जा सके और कोऑपरेशन डेवलप किया जा सके जिससे सभी देशों का फायदा होगा। डॉक्यूमेंट देखो इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है कि इस रीजन में बड़ी पावर्स के बीच एक प्रकार से राइवलरी या फिर आप कहो कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो डॉक्यूमेंट इस तरफ इशारा करते हुए कहता है इस रीजन में जो बड़ी पावर्स हैं चाहे वो इकोनॉमिक पावर हों या फिर मिलिट्री पावर हों, उनको देखो आपस में मिसट्रस्ट को अवॉइड करना चाहिए, मिसकैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहिए और जीरो सम गेम की अप्रोच के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। देखो जीरो सम गेम की अप्रोच में क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। जैसे सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको, अगर आसियान यूएसए के करीब चला गया है तो वो चाइना के करीब नहीं जाएगा, वो चाइना का दोस्त नहीं बनेगा, ये जीरो सम गेम है। जबकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आसियान यूएसए के करीब चला गया है, इसके साथ साथ आसियान की जो दोस्ती है वो चाइना के साथ भी बरकरार है, मतलब आसियान दोनों का दोस्त है, चाइना का भी और यूएसए का भी, ये जीरो सम गेम नहीं है। जीरो सम गेम में क्या होता है, एक का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। तो देखो ये बातें बोली गई हैं जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है आसियान के द्वारा, अपना विजन रखा गया है वर्ल्ड के सामने इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। वैसे देखो आसियान के मेंबर कंट्रीज के बीच डिफरेंसेस हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो यूएसए को पसंद करते हैं और कुछ आसियान के मेंबर कंट्रीज ऐसे हैं जो चाइना को पसंद करते हैं, लेकिन अब ये एक सच्चाई है कि आसियान के सभी मेंबर कंट्रीज का एक कलेक्टिव विजन है
इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो कि नॉन बाइंडिंग है। इसके बाद देखो आर्टिकल में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साउथ चाइना सी में कोड ऑफ कंडक्ट को लेके। देखो साउथ चाइना सी में काफ़ी सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जैसे पार्सल आइलैंड्स, स्पार्कलीस आइलैंड्स, इनको लेके डिस्प्यूट है विभिन्न कंट्रीज़ के बीच हैं, जैसे चाइना, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों के बीच हैं। चाइना इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन दिखाता है। जो वाटरवेज हैं यानी कम्युनिकेशन के लिए जो सी लेंस हैं उनका मिलिटराइजेशन हो रहा है। चाइना यूज़ नहीं करने देता उन सी लेंस को। कुछ ही समय पहले फिलीपींस की एक फिशिंग बोट को डुबो दिया गया था चाइना की मिलिट्री के द्वारा, चाइना के एक वेसल के द्वारा। तो आसियान के कुछ मेंबर कंट्रीज समय समय पर ये मांग करते हैं कि साउथ चाइना सी में किस प्रकार से बिहेव किया जाए इसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए, लेकिन चाइना बहुत ज़्यादा विरोध करता है इस चीज़ का। तो आसियान के जो कुछ मेंबर कंट्रीज हैं वो देखो प्रो चाइना हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। आसियान में ये चारों देश देखो रिलेटिवली कम डेवलप्ड हैं, तो इनको चाइना की आवश्यकता है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट की सहायता से इन देशों में इन्वेस्ट कर रहा है। इन चार देशों को एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की भी आवश्यकता है। तो ये चारों देश जो हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये चाइना की बात मानते हैं। तो आसियान में ये प्रो चाइना कंट्रीज हैं, जबकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे वियतनाम, सिंगापुर, इनके बारे में ये कहा जाता है ये प्रो यूएसए हैं, यूएसए की बात मानते हैं। जबकि कुछ देश हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ये अपनी ऑटोनोमस पोजीशन रखना चाहते हैं, मतलब किसी भी ग्रुप में शामिल ना नहीं होना चाहते, ना चाइना के ग्रुप में ना यूएसए के ग्रुप में। और फिलीपींस एक ऐसा देश है जो वैसे अभी चाइना के करीब जा रहा है लेकिन ट्रीटी साइन है फिलहाल यूएसए के साथ। तो ये सिचुएशन है फिलहाल आसियान की। हम बात कर रहे थे कोड ऑफ कंडक्ट की। कोड ऑफ कंडक्ट काफ़ी समय से कुछ आसियान के मेंबर कंट्रीज ये आवाज़ उठा रहे थे कि साउथ चाइना सी में कैसे बिहेव किया जाए इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए, लेकिन चाइना धमकी दे देता था आसियान को अपने प्यादे कंट्रीज की सहायता से कि इस प्रकार की कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ 34 समिट, इस समिट में डिसाइड किया गया कि इस साल के अंत तक साउथ चाइना सी में किस प्रकार से बिहेव किया जाएगा विभिन्न देशों के द्वारा, उसके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी की जाएगी। अगर जारी कर दी जाती है आसियान के द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट, तो चाइना इससे और ज़्यादा नाराज हो सकता है। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है कि आसियान के द्वारा ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है इससे ये पता लगता है कि आसियान अपनी खुद की पोजीशन लेना चाहता है। आसियान किसी बड़ी पावर के पीछे नहीं चलना चाहता। आसियान इंडो पैसिफिक रीजन को एक कंटिन्यूस टेरिटोरियल स्पेस नहीं मानता। आसियान अपने डॉक्यूमेंट में फोकस करता है डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी पर, मैरीटाइम कोऑपरेशन की आवश्यकता पर बल देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पर फोकस करता है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी फोकस करता है। आसियान नहीं चाहता ये जो रीजन है वो मेजर पावर्स के कंपटीशन का एक प्रकार से गढ़ बने, नहीं चाहता आसियान यहाँ पे बड़ी पावर्स के बीच कंपटीशन होना चाहिए। वैसे देखो डॉक्यूमेंट रिलीज करके ही आसियान ने एक प्रकार से चाइना को चैलेंज दे दिया है, लेकिन डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है उस कंटेंट की सहायता से आसियान चाइना को ये सिग्नल देना चाहता है कि हम यूएसए के साथ अलाइन नहीं होंगे, यानी इस रीजन के लिए यूएसए का जो विजन है उसे हम नहीं फॉलो करेंगे। इंडिया ने वैसे देखो आसियान के इस डॉक्यूमेंट का स्वागत किया है। इंडिया ने कहा है हम चाहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में विभिन्न देश एक साथ आए, लेकिन फॉर समथिंग, ना कि अगेंस्ट समथिंग। इंडो पैसिफिक रीजन में विभिन्न देश एक साथ आए किसके लिए? पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रोस्पर्टी के लिए, रूल्स के लिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को कंटेन करने के लिए। ये इंडिया ने बोला था। लास्ट में कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है आसियान ने तो अब इंडो पैसिफिक रीजन के लिए अपना विजन रिलीज कर दिया है, अब बारी है दूसरे रीजनल स्टेक होल्डर्स की कि वो भी रीजनल ग्रुपिंग्स के साथ मिलकर काम करें ताकि इस पूरे रीजन में इंक्लूसिविटी, स्टेबिलिटी, कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा सके। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म इंडो पैसिफिक? इंडो पैसिफिक टर्म की सिग्निफिकेंस क्या है? दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, क्या इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए? रीजन्स देने हैं आपको।
250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अब रिजर्वेशन से संबंधित है, कोटा पॉलिटिक्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपको पता है हमारे देश में 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है ओबीसी को, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस को। लेकिन देखो, अदर बैकवर्ड क्लासेस में कुछ कास्ट ऐसी हैं जो रिजर्वेशन का ज़्यादा लाभ उठा पाई हैं, लेकिन कुछ कास्ट ऐसी हैं जो रिजर्वेशन का उतना लाभ नहीं उठा पाई हैं। वो अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो 1994 में यूपी में मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट ने क्या किया था, 17 ऐसी कास्ट जो आती तो ओबीसी में हैं, लेकिन उन कास्ट को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया था, समझ गए। तो मामला पहुंचा था कोर्ट में, कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट के इस फैसले को स्ट्राइक डाउन कर दिया था, इनवैलिड करार दे दिया था। क्यों? कोर्ट ने कहा था कि भैया आर्टिकल 341 के तहत किस कास्ट को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाला जाए, किसे निकाला जाए, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसी प्रकार का प्रयास 2016 में एक बार फिर से किया गया, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 17 कास्ट को डाल दिया शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में एक नोटिफिकेशन की सहायता से। मामला पहुंचा अलाहाबाद हाईकोर्ट में। अलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया। इंटरिम ऑर्डर में अलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक देखो हम फैसला नहीं सुना देते हैं इस केस पर, तब तक जो भी सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे सरकार के द्वारा उन कास्ट के लोगों को जो ओबीसी में आते हैं लेकिन अब इनको एससी में डाल दिया गया है, ये सर्टिफिकेट्स देखो प्रोविजनल हैं। अगर कोर्ट का वर्डिक्ट विपरीत आता है तो जो सर्टिफिकेट्स इशू किए जा चुके हैं वो सर्टिफिकेट्स रद्द हो जाएंगे, यानी उनके एससी सर्टिफिकेट को नहीं माना जाएगा। ऐसा वर्डिक्ट दिया था अलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में, और ये एक प्रकार से इंटरिम ऑर्डर था। तो इसी इंटरिम ऑर्डर का फायदा उठाते हुए उत्तर प्रदेश की अभी की सरकार ने, अभी कौन मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने आदेश दिया सभी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को कि आप उन 17 कास्ट को जिनको शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया है, वो पहले ओबीसी में आया करते थे, इनको सर्टिफिकेट्स इशू करना स्टार्ट कीजिए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये ऑर्डर गलत था। पार्लियामेंट में जो हमारे देश के सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है कि किस कास्ट को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में इंक्लूड करना है, किसे एक्सक्लूड करना है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया वो गलत था। दूसरा देखो, गलत इसलिए भी था क्योंकि अगर ओबीसी की कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको ओबीसी के 27% रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनको एससी में शामिल कर देना ये कहाँ का लॉजिक है? क्योंकि देखो, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में वो कास्ट आती हैं जिनके साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिन्होंने पास्ट में अनटचेबिलिटी का सामना किया है। मतलब शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी बनाई गई है वो देखो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सिर्फ ध्यान में रखते हुए नहीं बनाई गई है। तो 17 ओबीसी कास्ट जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनको ऐसी कैटेगरी में डाल देना ये इलॉजिकल है, क्योंकि उन 17 ओबीसी कास्ट ने पास्ट में अनटचेबिलिटी का सामना नहीं किया है, उन्होंने पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं किया है। तो क्या किया जा सकता है सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा देखो एक चीज ये की जा सकती है, मान लीजिए 100 कास्ट को, ओबीसी की 100 कास्ट को 27% रिजर्वेशन प्राप्त है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन की जा सकती है ओबीसी कोटा के अंदर। जैसे 100 में से 50 कास्ट को मिलेगा 15% ओबीसी रिजर्वेशन, बाकी बची 25 कास्ट को मिलेगा 10% ओबीसी रिजर्वेशन, और जो बाकी 25 ओबीसी कास्ट बच गई उनको बाकी बचा हुआ ओबीसी रिजर्वेशन मिलेगा। यानी 27% जो टोटल ओबीसी रिजर्वेशन है वो भी ओबीसी कास्ट के बीच में बांट दिया जाए। कितनी ओबीसी कास्ट को 50% मिलेगा 27% का, कितनी ओबीसी कास्ट को 25% मिलेगा, और कितनी ओबीसी कास्ट को इतना मिलेगा, समझ गए। ये एक सोल्यूशन सरकार के पास हो सकता है, अगर सरकार को ये लगता है कि कुछ ओबीसी कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर ही कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दीजिए, यानी ओबीसी कास्ट के अंदर भी रिजर्वेशन आप बांट दीजिए। बाकी तो देखो आर्टिकल में
पॉलिटिक्स डिस्कस की जाती है, जैसे अखिलेश यादव गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता इससे, और अभी फिलहाल बीजेपी जो गवर्नमेंट है उनको क्या फ़ायदा होगा इस ऑर्डर से, क्यों बीएसपी जो है वो विरोध कर रही है इस ऑर्डर का। ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है, उनको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश की इकोनॉमिक सिचुएशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बजट 2019-20 ने एक चीज़ साफ कर दी है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेन ड्राइवर रहेगा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर सरकार ये मनसा दिखाती कि हम एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, हम खर्चा ज़्यादा करेंगे ताकि इकोनॉमी को स्टिमुलेट किया जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाया जा सके, तो फिस्कल डेफिसिट का प्रोविज़न ज़्यादा होता। लेकिन बजट में फिस्कल डेफिसिट का जो प्रोविज़न किया गया है 3.3% ऑफ GDP, मतलब सरकार ने जाहिर कर दिया है सरकार खर्चा नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेन ड्राइवर रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का। फिस्कल डेफिसिट देखो वो सिचुएशन होती है जब सरकार का खर्चा जो है वो बढ़ जाता है रेवेन्यू से, और रेवेन्यू में उधारी से जो पैसा लिया जाता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। समझ गए, ये डेफिनेशन है फिस्कल डेफिसिट की। टोटल एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होता है रेवेन्यू से, और रेवेन्यू जब हम निकालते हैं तो उसमें उधारी से जो पैसा लिया है वो इंक्लूड नहीं करते, उसे एक्सक्लूड करते हैं। हम थोड़ा पास्ट में जाते हैं। देखो 2011-12 में फिस्कल डेफिसिट टू GDP रेशो हमारे देश में थी 5.9%, और चार साल बाद यानी 2015-16 में फिस्कल डेफिसिट डिक्लाइन हो गया, 3.9% ऑफ GDP हो गया, और उसके बाद से ही फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.5% के अराउंड घूम रहा है। पिछले साल यानी 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट जो था वो टारगेट को देखो क्रॉस कर गया। डिसाइड ये हुआ था, बल्कि ये रिवाइज्ड प्लान था कि 2018-19 में फिस्कल डेफिसिट रहेगा 3.3%, 2019-20 में रहेगा 3.1%, और उसके बाद 2020-21 में रहेगा 3%। लेकिन इस साल जो बजट प्रेजेंट हुआ है 2019-20, ये बजट शो करता है कि इस टारगेट को भी हम मिस कर गए, जबकि ये रिवाइज टारगेट था। टारगेट ये रखा गया है 2019-20 में फिस्कल डेफिसिट रहेगा 3.3% ऑफ GDP, जबकि टारगेट ये था कि 3.1% ऑफ GDP टारगेट रहेगा फिस्कल डेफिसिट 2019-20 में। आर्टिकल में ये कहा जाता है, अब तो देखो ये एज्यूम किया जा सकता है कि 2020-21 के बजट में फिस्कल डेफिसिट 3% नहीं रहने वाला है। आपको ये सारा डेटा जो है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक आपको आइडिया मिल गया कि किस प्रकार से जो फिस्कल डेफिसिट है मूव कर रहा है, कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है पिछले 10 सालों में। आर्टिकल में देखो इसके बाद ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश तो की है फिस्कल डेफिसिट को कम करने की, एक्सपेंडिचर को कम करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है, खास करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। मेजर जो सब्सिडीज हैं जैसे फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, इन सब पर पहले खर्चा होता था 2% ऑफ GDP, लेकिन अब इन सब सब्सिडीज पर खर्चा होता है 1.4% ऑफ GDP, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन देखो सरकार के कुछ खर्चे बढ़ गए हैं, जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, पीएम किसान स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में 75,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, इवन नरेगा पर भी हर साल जो खर्च आता है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस वजह से देखो सब्सिडी पर जो खर्चा कम हुआ उसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बाकी खर्चे बढ़ गए। सोचा देखो ये गया था कि GST के आने के बाद और नोटबंदी के बाद टैक्स टू GDP रेशो जो है वो बढ़ेगा, यानी गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होगा। पिछले साल के बजट में ये कहा गया था कि 2017-18 में टैक्स टू GDP रेशो जो 11.6% था, ये 2018-19 में बढ़ के हो जाएगा 12.1%, और 2019-20 में बढ़ के हो जाएगा 12.4%। लेकिन इस साल जो बजट प्रेजेंट हुआ है इसमें कहा गया है कि पिछले साल टैक्स टू GDP रेशो रहेगा 11.9%, और 2019-20 में टैक्स टू GDP रेशो बढ़ने के बजाय घट जाएगा, यानी 11.7% हो जाएगा। तो ये काफ़ी चिंता की बात है, मतलब गवर्नमेंट जिस प्रकार से सोच रही थी टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा प्राप्त होगा, गवर्नमेंट के वो मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होगा कहाँ से अगर फिस्कल डेफिसिट को कम करना है? रेवेन्यू देखो डिस इन्वेस्टमेंट से हासिल हो सकता है, जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, यानी शनिवार को जो बजट की डिस्कशन की थी उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि सरकार का अनुमान ये है इस साल के बजट के अनुसार 1,05,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं डिस इन्वेस्टमेंट की सहायता से,
और इसके अलावा सरकार ये भी प्लान कर रही है कि जो लैंड है वो बेचा जाएगा, यानी सरकारी लैंड जो खाली पड़ा है, जिनका अभी कोई यूज़ नहीं है, उस लैंड को बेच के भी पैसा कमाया जाए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो डिस इन्वेस्टमेंट में किस प्रकार का ट्रेंड सामने आ रहा है पिछले कुछ सालों में, सरकार के ही जो प्रॉफिटेबल PSU हैं वो दूसरे PSU के शेयर परचेज कर लेते हैं और इससे सरकार को रेवेन्यू हासिल हो जाता है। इसका नुकसान ये होता है, सरकार जो स्ट्रेटेजिक सेल की बात करती है, यानी सरकार कहती है कि हम नॉन फाइनेंशियल PSUs में सरकारी जो हिस्सेदारी है उसको 50% या फिर 50% से कम कर देंगे और जो मैनेजमेंट है वो भी ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो नहीं पाता। अब मान लीजिए सरकार ने क्या किया, एक PSU है ABC PSU के शेयर्स तो बेच दिए, लेकिन अगर वो शेयर्स दूसरे ही PSU ने खरीद लिए तो देखो इफेक्टिवली कंट्रोल तो सरकार के पास ही रहा ना, मेजोरिटी शेयर्स भी सरकार के पास ही रहे, तो ये गलत है। अगर सरकार वास्तव में स्ट्रेटेजिक सेल पे फोकस करना चाहती है तो ये इंश्योर करें कि किसी PSU में अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी को 50% से कम करना चाहती है तो कोई दूसरा PSU शेयर्स ना खरीदे उस PSU के, बल्कि दूसरी कंपनीज या फिर प्राइवेट सेक्टर की जो एंटिटीज हैं वो शेयर खरीदें उस PSU के। और बात रही लैंड को बेचने की, देखो लैंड को बेचना आसान नहीं है, लैंड को बेचना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतना आसानी से लैंड नहीं बेचा जा सकता। इसके बाद फिर एक सोल्यूशन ये निकल के आता है, फिस्कल डेफिसिट को अगर कम करना है तो फिर गवर्नमेंट ये उम्मीद कर सकती है कि RBI का जो सरप्लस है वो ट्रांसफ़र हो जाए सरकार को। लेकिन देखो इस इशू को एड्रेस करने के लिए, ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, इस इशू को लेके उर्जित पटेल जो RBI के पुराने गवर्नर थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, मतलब बहुत सारे इश्यूज को लेके उनके कंसर्न थे और मेन इशू यही था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि RBI अपना जो सरप्लस है वो एक ही बार में सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दे सरकार को, लेकिन RBI के गवर्नर और दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं वो नहीं चाहते थे कि RBI अपना सारा सरप्लस ट्रांसफ़र कर दे सरकार को एक ही बार में। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी बिमल जलान की अध्यक्षता में, बिमल जलान RBI के पूर्व गवर्नर हैं। तो कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को, सरकार ने वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है, लेकिन इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि RBI अपना सरप्लस सरकार को ट्रांसफ़र तो करे लेकिन धीरे धीरे करके, एक ही बार में नहीं। तो अगर इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है तो सरकार की जो उम्मीद है कि RBI का सरप्लस हमें मिल जाएगा एक ही बार में, वो उम्मीद तो देखो धूमिल हो जाती है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, सारे ऑप्शंस एनालाइज करके हम ये कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट सरकार ने रखा है वो टारगेट मुश्किल से अचीव हो पाएगा, यानी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा रह सकता है। और फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा रहता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसा नहीं बचता। क्यों, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए सरकार को रेवेन्यू प्राप्त हुआ 100, खर्चा कर दिया 128, 28 रुपये जो ज़्यादा सरकार ने खर्च कर दिए वो देखो चुकाने तो पड़ेंगे ना, तो इसके लिए क्या हो सकता है, मार्केट से सरकार बोरो कर सकती है। सरकार मार्केट से बोरो करेगी तो प्राइवेट कंपनीज के लिए मार्केट से बोरो करने के लिए पैसा बचेगा नहीं, इस इफेक्ट को कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो ये हो सकता है अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा रहता है। और एक और रीज़न भी बताते हैं राइटर कि दूसरा रीज़न भी है जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो सकती, वो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। पहले जो इकोनॉमिक सर्वेज आए थे वो बात करते रहे हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम की। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है क्या, एक तो देखो कंपनीज पर हाई लेवल ऑफ डेट है, मतलब कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा इसके साथ साथ बैंक्स का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। इन दोनों रीजन्स की वजह से प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि देखो अगर पॉलिसी अनसर्टेनिटी रहती है तो वो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करती है, लेकिन आज राइटर इस आर्टिकल में कहते हैं देखो हमारे देश में पॉलिसी अनसर्टेनिटी नहीं है, ब्रॉड जो पॉलिसी है वो सेम ही रही है चाहे कोई भी सरकार आई हो 1990 के बाद से लेके, यानी जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म आए हैं तब से लेके अभी तक हमारी जो ब्रॉड पॉलिसी है वो सेम रही है। तो आप यूँ नहीं कह सकते कि पॉलिसी अनसर्टेन है इस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती, इसलिए आपको ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम को एड्रेस करना होगा। ट्विन बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम है वो जिम्मेदार है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कम होने का। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जैसा हमने डिस्कस किया, एक तो कंपनी के ऊपर डेब्ट ज़्यादा है, दूसरा बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इस वजह से कंपनीज को लोन नहीं मिल पाता और वो इन्वेस्टमेंट कम कर पा रही हैं। ये प्रॉब्लम कैसे एड्रेस हो सकती है,
अगर देखो बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो जाए, बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैसे कम होगा, एक सॉल्यूशन है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी बैंक्स को पैसा दिया जाए सरकार की तरफ से। इस साल के बजट में सरकार ने प्रोविजन किया है कि हम 70,000 करोड़ का कैपिटल देंगे बैंक्स को, ताकि बैंकों की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या है वो एड्रेस हो जाए और बैंक्स लोन दे सकें प्राइवेट कंपनीज को और प्राइवेट कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है अगर देखो सरकार 70,000 करोड़ एक ही बारी में देती है तो बैंक्स को फायदा होगा, लेकिन अगर सरकार धीरे धीरे करके अभी इस साल कुछ अगले साल कुछ इस प्रकार से बैंकों को ये 70,000 करोड़ देगी तो उतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या जो कि तो बनी रहेगी और ट्विन बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम है वो भी वैसी ही रहेगी और प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं बढ़ पाएगी। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है कि बजाय इसके कि सरकार एक निश्चित आंकड़ा देती इस साल के बजट में कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 3.3% ऑफ GDP रहेगा, सरकार एक रेंज दे सकती थी कि फिस्कल डेफिसिट 3.3% से लेके 3.7% के बीच में रहेगा। अगर ये टारगेट दिया जाता सरकार के द्वारा, ये रेंज दी जाती तो ज़्यादा संभावना होती कि फिस्कल डेफिसिट के लिए हमने जो रेंज रखी है उसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अब तो देखो 3.3% ऑफ GDP फिस्कल डेफिसिट रहेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सरकार खर्चा कम नहीं कर पा रही है और ज़्यादा रेवेन्यू के सोर्स सरकार के पास है नहीं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया देश की इकोनॉमी से संबंधित तीन इश्यूज़ पर। आज हमने फोकस किया पहला इंडो पैसिफिक रीजन, दूसरा यूपी में OBC कास्ट को डाल दिया गया SC कैटेगरी में, इसके रिपरकशंस, और तीसरा हमने डिस्कस किया देश की इकोनॉमी से संबंधित आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।